हाय फ्रेंड, आपका साइंस स्किल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं ला रहा हूँ पार्ट फोर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान कितना होता है? तो बिल्कुल शून्य होता है, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ी जाए तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो अगर तीनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो पता होना चाहिए कि अगर धारिता को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो व्युत्क्रम करके जोड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बाय थ्री बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध ऑपरेशन नंबर बी हो जाएगा, E1 इंटू R1 प्लस E2 इंटू R1 बटा R1 प्लस R2। एक लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता कितना होता है? एक लौह पदार्थ का जो चुंबकशीलता होगा उसका म्यू का वैल्यू बहुत वन से बड़ा, वेरी वेरी ग्रेटर देन वन, यानी कि एक से बहुत बहुत बड़ा होता है। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक, तो ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा तत्व है? तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम तत्व का व्यवहार किया जाता है, नाइक्रोम तार का यूज किया जाता है। शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होती है? तो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो इससे दोनों तरह का प्रतिरोध मापा जाता है, हाई रेसिस्टेंस एंड लो रेसिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। एक विद्युत धारा का समीकरण अब मेरे पास दिया रहेगा, I = 0.6 sin 100 πt से निरूपित होता है, तो विद्युत धारा का आवृत्ति कितना होगा? तो बिल्कुल ये बहुत बार रिपीटेड है, 50, ओनली 50 करेक्ट करेंगे। प्रतिघात का ऐसे मात्रक क्या है? तो प्रतिघात रहे चाहे प्रतिरोध रहे उसका ऐसे मात्रक ओम होता है, ऑप्शन नंबर ए। शीर्ष धारा IO और वर्ग मूल धारा IRMS में क्या सही संबंध होगा? तो I0 √2 IRMS का वैल्यू होगा, I0 √2 IRMS, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को कौन सा लेंस का व्यवहार करना चाहिए स्पष्ट देखने के लिए? तो निकट के लिए आप याद रखिए अवतल, और दूर के लिए याद रखिए उत्तल, निकट के लिए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम किस रंग का होता है? तो सबसे कम क्रांति कोण होता है वो बैंगनी कलर का होता है। एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? तो एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक अगर म्यू रहेगा तो सबसे विचलन जो होगा कम वो होगा μ-1 × a। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन करता है? तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग का जो पुष्टि करता है वो प्रकाश का ध्रुवन करता है, ऑप्शन नंबर सी। एक लेंस जिसका अपवर्तनांक दिया है नाभ्यांतर हवा में 20 सेंटीमीटर है, इसका नाभ्यांतर एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है कितना हो जाता है? तो इसका वैल्यू अनंत हो जाता है। एक लेंस का जो अगर नाभ्यांतर 20 सेंटीमीटर रहे और उसका अपवर्तनांक दिया रहे तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। एक चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग की जो संचरण की दिशा होती है E×B के पैरेलल होती है, ऑप्शन नंबर E×B के समांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात का मात्रक क्या होता है? तो सेकेंड पर मीटर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। उत्सर्जित फोटोन फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर किस पर करती है? तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो निर्भर करती है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पे, यानी कि लैम्डा पे, कि उसकी लैम्डा का वैल्यू कितना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन आवेश रहित है यानी कि चार्ज नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी फोटोन है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी और रक्त भाग में नहीं पड़ती है? तो इसका हो जाएगा लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज में और रक्त भाग और कौन सा श्रेणी और रक्त भाग में नहीं पड़ता है? तो उसका करेंगे ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अगर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम लोग अर्धायु, हाफ लाइफ, आधी हो जाती है उसे कहते हैं अर्धायु। बीटा किरणें किसे विक्षेपित होती है? तो जो बीटा किरणें विक्षेपित होती है वो चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों से विक्षेपित होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में क्या मिलाया जाए, यानी जिसमें मिलाने वाला अपद्रव्य क्या होना चाहिए, तो उसमें मिलाया जाने वाला अपद्रव्य हो जाएगा पंच संयोजक। डायोड का उपयोग कहाँ करते हैं, तो डायोड का उपयोग जो मेन उपयोग करते हैं ऑप्शन नंबर डी रेक्टिफायर में। नंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है, तो नंड गेट के लिए जो बुलियन व्यंजक होगा ए डॉट बी का बार इज इक्वल टू वाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी टावर का ऊंचाई अगर 245 मीटर दिया रहे दोस्त, तो उसका हमें दूरी पूछा है कि टावर का प्रसारण कितना दूरी तक पहुंचेगा, तो ऑप्शन नंबर सी 56 किलोमीटर। बिल्कुल याद रखिए, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। इस वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लाते हैं पार्ट 5 वाला फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद।